अब हम बनाने जा रहे हैं रोवांगन सामन। उसके लिए मैंने पानी पहले बॉईल कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं हल्दी नमक इसको पानी को बॉईल करूँगा और उतनी देर में मैं अपने पनीर को काट लूँगा। ये मैंने 1 kg पनीर लिया है, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसका काटने का तरीका भी थोड़ा सा होता है कि यहाँ पे जो है कश्मीर के अंदर पनीर का साइज़ बहुत बड़ा होता है। मैं ऑथेंटिकली बना रहा हूँ तो इसलिए मैं इसको मोटा ही लूँगा। यह हमारा पनीर कट चुका है, अब मैं इसको हल्दी वाले पानी में बॉईल करूँगा। अब मैं इसके अंदर ये पनीर डाल रहा हूँ। कितनी देर बॉईल करना है इसको? ये 5 से 6 मिनट तक। और बॉईल करने से क्या होता है, मतलब यूजुअली मैंने पहले सॉफ्ट हो जाता है एक तो, और ज्यादा सॉफ्ट पहली डेज देखो जो पनीर बॉईल कर रहे हैं और ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। इस बॉईल होने के बाद फ्राई भी होगा। अच्छा हाँ, जो हमारा रोवांगन सामन है उसके लिए जो है टमाटर को बॉईल करूंगा। पहले एक कट लगाऊंगा ताकि इसका छिलका इजीली उतर सके और इसको मैं बॉईल करूंगा। ये मैंने 1 किलो टमाटर लिया है और 1 किलो ही पनीर लिया है। ये देखिए हमारा पनीर बॉईल हो चुका है, अब मैं इसको फ्राई करूंगा। पनीर को भी हमने हल्की आंच पे ही फ्राई करना है। इसके अंदर जो है एक ही डिफरेंस होता है, पंडितों के लिए जो है वो हींग का यूज़ करते हैं और मोमडन्स में जो है वो लहसुन और प्रान का यूज़ करते हैं। इसके अंदर मैं सबसे पहले खड़े मसाले डालूंगा, थोड़े इलायची, जीरा, मोटी इलायची, दालचीनी और एक दो लौंग। साथ ही में मैं इसके अंदर अब डालूंगा थोड़ी हींग और ये टमाटर। ये वही बॉइल्ड टमाटर हैं जो मैंने आपको दिखाया था। अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर डालेंगे कश्मीरी मिर्च, धनिया पाउडर 1 चम्मच, थोड़ा सा हल्दी और अब इस मसाले की बुनाई करेंगे। हमें इसको तब तक भूनना है जब तक इसके अंदर ऑयल ना छूट जाए। अब मैं इसमें डालूंगा नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। देखिए मसाला जो है तकरीबन भुनने पे आ गया है। आप चाहें तो ये दही डाल सकते हैं, मैं डाल रहा हूँ 2 चम्मच, चाहें तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि तो दही के साथ जो है एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसका। ये अब हमारा जो मसाला है वो भून के रेडी हो चुका है। अब मैं वही पानी इसके अंदर डालूंगा जिसमें मैंने पनीर को बॉईल किया था। अब इस स्टेज के अंदर मैं इसके अंदर पनीर डाल दूंगा। और इसको इसी के अंदर तकरीबन आधे घंटे तक पकाऊंगा। और अब बारी है सबसे मेन इंग्रेडिएंट, वो है ये सौंफ का पाउडर। क्योंकि कश्मीरी क्विजीन में दो ही मसाले हैं जिनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और फ्लेवर होता है, वो है सौंफ का पाउडर और सौंठ का पाउडर। इसके अंदर अब जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला। ये मेरा बना हुआ गरम मसाला है। ये हमारा टमाटर पनीर तकरीबन तैयार है। अभी इसको मैं 5 से 10 मिनट और पकाऊंगा। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच देसी घी। ये हमारा पंडित स्टाइल, और बाजा भी कुछ इसी तरीके से बनाते हैं, बस लहसुन और प्याज का फर्क होता है। टमाटर पनीर का हमारा जो है रेडी है। असली नाम इसका है रोवांगन सामन, क्योंकि टमाटर को कश्मीरी में रोवांगन कहा जाता है। तो चलिए अब हम इस डिश को सर्व करते हैं। ये हमारा रोवांगन सामन रेडी है।